हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कल का जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, कल का जो क्वेश्चन था एक कि लखनऊ में जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला गया है उसका जो फाइनल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। मैंने इसका उस टाइम पे राइट आंसर जो है सौरभ बताया था, लेकिन इसका करेक्शन करके आप जो यहाँ पे वांगजुबेई है इसको कर लीजिएगा राइट आंसर, क्योंकि ये जो चीनी प्लेयर है इन्हीं ने ये पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे सौरभ वर्मा है इन्हीं को हरा कर ये जीता है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, कार्ल गुस्ताफ और सिल्विया किस देश के राजा और रानी हैं जो आधिकारिक रूप से 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर रहे हैं। तो सही आंसर होगा आपका स्वीडन। देखिए, यहाँ पे जो कार्ल गुस्ताफ इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने जो अभी इस फोटो के अंदर जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनका वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये अभी आधिकारिक दौरे पर हैं और ये जो है स्वीडन के राजा और रानी हैं। ठीक है, 16वें राजा और रानी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए इनके दौरान, इसी के दौरान जो है इन्होंने भारत और जो स्वीडन है इन दोनों देशों के बीच में कई सारे अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अंदर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा से संबंधित ये समझौते शामिल हैं। देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलर एशिया की, तो देखिए चीन और जो चीन के बाद में आता है जापान, और यहाँ पे तीसरा जो नाम आता है वो है स्वीडन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ भारत, एशिया में चीन जापान के बाद भारत जो है स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट अपना, हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। तो आंसर होगा आपका, ये मनाया गया है रिसेंटली 3 दिसंबर को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दो अभी 3 दिसंबर को मनाया गया है, इसके अगर थीम की मैं बात करता हूँ तो इसका विषय था इस बार का दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण तथा समावेश व समानता सुनिश्चित करना, इस बार का इसका विषय था। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी, तो देखिए इसकी मनाने की जो शुरुआत की गई थी 1992 में की गई थी, जो यूनाइटेड नेशन महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसी के द्वारा जो है इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य देखिए जो दिव्यांगजन लोग हैं उनकी समस्याओं को समझकर उनके लिए समाधान उपलब्ध करवाना ही इसका मनाने का मकसद है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसने पुरुष श्रेणी में फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी ओर जीता है। तो ये जीता है यहाँ पे जो लियोनेल मेसी है, इन्हीं के द्वारा ये जीता गया है। देखिए, जो लियोनेल मेसी है इन्होंने ये अपने करियर का 6ठा बैलन डी अवार्ड जीता है। ठीक है, 6 अवार्ड इन्होंने ये जीत लिए हैं बैलन डी ओर के, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, आपको बता दें कि जो रोनाल्डो है वो इस चैंपियनशिप में 3रे नंबर पर रहे थे। यहाँ पे ये तो मैंने बात की है पुरुष वर्ग की, यानी कि जो बैलन डी ओर है पुरुष वर्ग का वो लियोनेल मेसी ने जीता है, लेकिन महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो महिला वर्ग का खिताब जीता है वो जीता है मेगन रैपिनो ने, जो कि अमेरिका की है। ठीक है, इन्होंने महिला श्रेणी का बैलन डी ओर जीता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही भारत देश भर में मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया है जो कि संबंधित है, तो ये संबंधित है रोग निवारण से। देश में रोग निवारण के लिए ही ये मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था, ये इसका दूसरा संस्करण है 2.0। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये शुरू हुआ है इंद्रधनुष 2.0, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, देश भर में जो 2 साल से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 8 सेलेक्टेड बीमारियों से जो है मुक्त बनाने के लिए ही ये शुरू किया गया है मिशन इंद्रधनुष 2.0। ध्यान रखिएगा, 8 चुनिंदा बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके लिए ये एक टीकाकरण, बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान
चलाया जा रहा है पूरे भारत में इन बीमारियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यही मिशन इंद्रधनुष है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए अपना। अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एस्टेंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है जिसने शक्ति बट फर्स्ट बुकर प्राइज जीता है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है अर्ली इंडियंस, इसने हाल ही में ये प्राइज जीता है, शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है टॉनी जोसेफ ने। टॉनी जोसेफ जो है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, और ये इसका कवर फोटो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है, जो मतलब कि ये प्राइज है, इसका ये 12वां संस्करण था जो इस पुस्तक को मिला है। और देखिए, इस पुस्तक के अंदर जो जेनेटिक्स के माध्यम से जो भारतीय इतिहास है उसको बताने का जो है यहाँ पे प्रयास किया गया है इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अपना देखिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर को 6.3% से घटाकर कितना कर दिया है? तो आंसर होगा आपका 5.1%। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये जो कृषि से एक रेटिंग एजेंसी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट अपना देखिए। पृथ्वीराज सिंह को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह जो है ये बने हैं, ये इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर मैं बात कर लेता हूँ मॉरिशस की, तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिटियन रुपीजिया की करेंसी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट अपना देख लेते हैं। निम्न में से किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा आपका लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ये आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। लुइस हैमिल्टन जो है एक मर्सिडीज कार चालक हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट अपना देख लीजिए। निम्न में से किसने अंडमान निकोबार कमान के 14वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर होगा आपका, ये जो ग्रहण पदभार संभाला वो संभाला है लेफ्टिनेंट शंकर राजेश्वरन ने। लेफ्टिनेंट शंकर राजेश्वरन, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, इन्हीं ने ये यहाँ पे पदभार संभाला है अंडमान निकोबार कमान के 24वें कमांडर इन चीफ का। ठीक है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। चलिए फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। निम्न में से किसने सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे देखिए, जो विनेश फोगाट है इसने भी जीता है, और साक्षी मलिक है इन्होंने भी जीता है। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त, दोनों यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये है साक्षी मलिक और ये है यहाँ पे विनेश फोगाट। ठीक है, दोनों के अगर मैं बात करता हूँ तो जो विनेश फोगाट है इसने यहाँ पे 55 kg प्रतिस्पर्धा में जो हरियाणा की अंजू है इसी को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है, गोल्ड मेडल। और इधर मैं साक्षी मलिक की बात करता हूँ तो इन्होंने जो है ये 62 kg वाली जो स्पर्धा थी उसके अंदर हरियाणा की ही जो राधिका है उसको हरा कर ये खिताब अपने नाम या गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। सरकार ने जनवरी 2020 से किस उत्पाद पर होलो मार्किंग अनिवार्य कर दी है? तो आंसर होगा जो स्वर्ण आभूषण होंगे, गोल्ड ज्वेलरीज होंगी जितनी भी, उन पर जो है अब होलो मार्किंग जरूरी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नेसेसरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसकी जरूरता करने का मकसद यही है कि जो सोने की शुद्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए ही जो है ये यहाँ पे सरकार ने कदम उठाया है। चलिए फिर अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह में C40 जलवायु शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन किस शहर में किया गया था? ये आपको यहाँ पे बताना है। सुबह जी थी आज की करंट अफेयर। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।